तो हेलो दोस्तों, जिसका भी राशन कार्ड में आपको जो ई के वाई सी अगर नहीं कराया है तो आप लोगों को जो है 30 सितंबर से पहले अपने राशन कार्ड में ई के वाई सी करा लेना है। यानी कि आपके फैमिली मेम्बर में अगर किसी का राशन कार्ड में ई के वाई सी कम्प्लीट नहीं है तो आप जो किस तरीके से मेरा राशन 2.0 के जरिए जो है आप अपने राशन कार्ड में ई के वाई सी कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा प्रोसेस कि आप जो किस तरीके से अपने राशन कार्ड में ई के वाई सी कर लेंगे। अगर आप ई के वाई सी कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट मिलता रहेगा। अगर आप अपने राशन कार्ड में ई के वाई सी नहीं करते हैं दोस्तों तो आपको जो राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो आप ये जानने कहते करते हैं राशन कार्ड में ई के वाई सी, तो वीडियो को जो कंटिन्यू देखते रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके साथ वीडियो करते हैं दोस्तों स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को जो ओपन कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको मेरा राशन 2.0 को जो है डाउनलोड कर लेना है, मतलब मोबाइल में आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपका पुराना वर्जन है तो आप उसको जो अपडेट कर लेंगे, क्योंकि पुराना हमारा वर्जन जो है चालू नहीं हो रहा है तो उसका इशू आ रहा है, इसलिए आप उसे अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद जो है मेरा राशन 2.0 में वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे जो ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है लैंग्वेज चुनने के बाद। उसके बाद यहाँ से गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्ट क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन देखने को मिलता है, तो हमें जो है यहाँ पे बेनिफिशियरी यूजर वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। देख सकते हो पहले ही वाला जो ऑप्शन है उसी पर हमको जो है क्लिक रहने देना है। क्लिक रहने वाले के बाद नीचे हमें अपना आधार नंबर जो है टाइप कर देना है, जो भी आपका आधार नंबर है अपना टाइप कर देंगे। कैप्चर कोड जो है यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको जो है यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद जो है आपको नीचे ऑप्शन रखा वेरीफाई का, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करने देते हैं आपका ओटीपी जो सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो आपको यहाँ पर एम पिन बनानी होगी, क्रिएट पिन का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर क्रिएट पिन करेंगे। आपको जो एक पिन बना लेनी है इसे लॉगिन करने के लिए, 4 अंकों की, जो भी आप बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से एम पिन बना लेंगे। इस तरीके से बना ली है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो दोबारा से देख सकते हैं कंफर्म करने के लिए दोबारा से वही पिन आपको डालनी होगी इस पर। उसके बाद कर लेंगे क्रिएट पिन, तो क्रिएट पिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा ओके करने, देख सकते हैं आपकी पिन जो है यहाँ पर चालू हो गई है। उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन देनी है, अलाउ करेंगे यहाँ पर पहली वाली, अलाउ करने के बाद यहाँ पर स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद देख सकते हैं आपका जो है इस पोर्टल पर जो आप जो है लॉगिन हो जाएंगे, और आपका राशन कार्ड जो है देख सकते हैं ऊपरी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका नाम वगैरह फैमिली मेम्बर सब कुछ आपको शो हो रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है इसका बैक करके भी देख सकते हैं, तो सब कुछ आपको जानकारी इसमें मिल जाएगी। आपका राशन कार्ड जो ऊपरी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने जाने के बाद आपका जो है इसमें देखने को मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आपको जो किस तरीके से चेक करना है कि आपके राशन कार्ड में किस किस की केवाईसी हो रखी है, किस किस की नहीं हुई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आइए किस तरीके से हमें पता करना है कि हमारे राशन कार्ड में जो किस किस की ई केवाईसी हुई है, किस की नहीं हुई है, तो उसको जानने के लिए जो दोस्तों वीडियो को जो कंटिन्यू देखते रहे हैं। अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ से नीचे आएंगे, नीचे के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे मैनेज फैमिली डिटेल का, इसी के ऊपर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर दिखा रहा है टोटल केवाईसी पेंडिंग 3, यानी कि 3 केवाईसी जो है हमारी पेंडिंग है, इसमें भी इनकी जो जो है ईकेवाईसी नहीं हुई है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सबका नाम, आधार नंबर सब कुछ देखने को दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा। सब पे नाम के आगे देख सकते हैं यहाँ पे आधार के वाई सी का आगे आप देखेंगे तो दिखा नॉट वेरीफाई, नॉट वेरीफाई, नॉट वेरीफाई, तो यानी कि इनका जो आधार के वाई सी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यानी कि इनका राशन कार्ड में ई के वाई सी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। नॉट के वाई सी तो आपको जो है अपने राशन कार्ड में जिसकी ई के वाई सी का नॉट के सी, नॉट के वाई सी कंप्लीट दिखा रहा है, तो आपको जो है के वाई सी कर लेना है। अगर आप केवाईसी कर लेते हैं तो आपको जो इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। अगर आप केवाईसी नहीं करेंगे तो आपको जो अगले महीने से राशन मिलना ही बंद हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा रहा है योर आधार केवाईसी पेंडिंग, प्लीज़ विजिट योर नरेस्ट FPS फॉर कंप्लीट आधार केवाईसी। तो यहाँ बताया गया कि आपको जो अपने राशन कार्ड में ई केवाईसी कर लेनी है, तो आपको जो किस तरीके से करनी है तो आइए बताता हूँ। वापसी आएंगे ऊपर, ऊपर आने के बाद जो है
इस पोर्टल पर ये आएंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे आपको ऑप्शन देने को मिल जाता है नियर बाय FPS शॉप्स, मतलब कि आपको यहाँ पे शॉप देखने को मिल जाएंगी कई सारी। तो यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आसपास ही नज़दीकी जो शॉप है, मतलब कि जहाँ पे आपको राशन मिलता है जिस दुकानों पे, उनकी जो है यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ, नाम वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। टाइम टेबल भी आपको देख सकते हैं यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे समझ लग जाएगी। और कितनी कितनी दूरी पे है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है या आधा किलोमीटर की दूरी पे है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो है जिस मेंबर का आपको राशन कार्ड में EKYC कराना है, उसका आधार कार्ड लेके आपको यहाँ पे चले जाना है। और यहाँ पे देख मैप का ऑप्शन भी दे रखा है, आप मैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी आपको जो है लोकेशन भी दिखा देगा कि ये दुकान जो है आप कहाँ पर है। और देख सकते हैं टाइम भी दिखा रहा है कि आप जो 8 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाएंगे। 1.7 किलोमीटर ये है, यहाँ से दूर है। तो आपको जो जिसका भी राशन कार्ड में EKYC कराना है, उसका आधार कार्ड लेकर उसको अपने साथ लेके जाना है। और वहाँ पे जो उसका आधार KYC कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसका अंगूठा फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, उसके बाद जो है उसका राशन कार्ड में EKYC कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसे जो है राशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको जो हर महीने आपका राशन मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आपने भी अगर अपने राशन कार्ड में EKYC नहीं कराया है तो दोस्तों आपको जो इसी तरीके से ही अपने राशन कार्ड में EKYC करा लेना है। और दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि अगली वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।